मेरे हाथ में आप लोग देख सकते हो ब्रांड न्यू IQ Neo 7 Pro स्मार्टफोन आ चुका है। ये फोन स्पेशली गेमिंग के लिए बना है। इस फोन में मिलता है स्नैपड्रैगन 8 Plus Gen 1। देन इस फोन में इंडिपेंडेंट गेमिंग के नाम से सेकेंड चिप देखने को मिलता है, जिसके हेल्प से काफी हद तक गेमिंग अच्छी हो जाती है। चलिए शुरू करते हैं। अगर आप IQ Neo 7 Pro स्मार्टफोन लेना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। ये स्मार्टफोन को यूज करते करते मुझे 2 वीक्स से ज्यादा हो गया। आज की इस वीडियो में IQ Neo 7 Pro की अनबॉक्सिंग करेंगे। एंड फ्रेंड्स, अभी के टाइम पर स्टोरेज 12256 में ये फोन आपको अमेजोन पर 36,000 में मिल जाएगा। आपके मन में क्वेश्चन होगा, ये फोन 36,000 का है, ये फोन लेना चाहिए या फिर कोई और फोन लेना चाहिए? तो आप लोग बेफिक्र होकर इस वीडियो को एंड तक देखो। अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखते हो तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि ये फोन बाय करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। फ्रेंड्स, सबसे पहले फटाफट से इस फोन की अनबॉक्सिंग कर लेते हैं और ये गत्ते को साइड करते हैं और आप लोग देख सकते हो इस बॉक्स की फ्रंट व्यू। देन लेफ्ट साइड से आप लोग देख सकते हो IQ Neo 7 Pro 5G लिखा हुआ है। देन पीछे के साइड आप देख सकते हो IQ Neo 7 Pro लिखा हुआ है और 12256 GB स्टोरेज है। देन बैक साइड में फोन के कुछ डिटेल्स देखने को मिल जाता है, जैसे की IMEI नंबर, रैम, रोम एंड कलर ETC। देन आपके सामने बॉक्स की सील ओपन करते हैं और आप लोग देख सकते हो सबसे पहले हमारा IQ Neo 7 Pro स्मार्ट फोन देखने को मिलता है, जो एक पॉलिथीन में पैक होता है। फोन को साइड में रखते हैं और इस बॉक्स में क्या क्या देखने को मिला है वो देखते हैं। ये देख सकते हो गाइस, ये फोन का प्लास्टिक फ्रेम है, इसके अंदर फोन था। देन IQ ब्रांड के तरफ से इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन एंड वारंटी कार्ड देखने को मिलता है। देन क्यूक स्टार्ट गाइड देखने को मिलता है। देन IQ Neo 7 स्मार्टफोन का बिल, ये स्मार्टफोन 12256 में मुझे सेल में 35,000 का पड़ा बैंक डिस्काउंट लेकर। वैसे आप लोग देख सकते हो इनवॉइस वैल्यू 36,000 है, लेकिन मैंने 35,000 ही पेमेंट किए थे। देन इस बॉक्स में आपको एक बैक कवर देखने को मिलता है। ये बैक कवर मुझे ज्यादा खास नहीं लगा, क्योंकि फ्रेंड्स मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में आपको बता दिया था कि इस फोन को लिए हुए 2 हफ्ते से ज्यादा हो गया, और अभी आप लोग देख सकते हो ये बैक कवर ऐसा कलर का हो गया है। बैक कवर के बाद हमें 120 वाट का फ्लैश चार्जर देखने को मिलता है। इस एडेप्टर के हेल्प से आप इस फोन को 20 से 25 मिनट में 1% से 100% चार्ज कर सकते हो। इस एडेप्टर के बैक साइड में आपको USB केबल के जगह टाइप सी केबल देखने को मिलता है। इस एडेप्टर में आप 2 साइड वाली टाइप सी केबल यूज करके फोन को चार्ज कर सकते हो, और इस बॉक्स के अंदर आपको ये केबल देखने को मिल जाएगा। अब आप लोग देख सकते हो 2 साइड वाली टाइप सी केबल है। इस केबल की लेंथ की बात करें तो लगभग 1 मीटर होगा। देन सबसे लास्ट में सिम इजेक्टर टूल देखने को मिल जाता है। और फ्रेंड्स, आप लोग बॉक्स की क्वालिटी देख सकते हो, काफी हार्ड है। देन फ्रेंड्स, अब फटाफट से फोन को पन्नी से निकालते हैं और देखते हैं कैसा लग रहा है। ये रहा हमारा ब्रांड न्यू IQ Neo 7 Pro स्मार्टफोन। इस फोन का कलर का नाम है फियरलेस फ्लेम, आप इसे ऑरेंज कलर भी बोल सकते हो। इस फोन के लेफ्ट साइड में आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। ऊपर के साइड आयर ब्लास्टर और माइक देखने को मिलता है। देन राइट साइड में पावर ऑन ऑफ बटन और वॉल्यूम अप डाउन बटन। नीचे के साइड सिम कार्ड स्लॉट, डबल स्पीकर, टाइप सी चार्जिंग जैक, देन नॉइज कैंसिलेशन माइक। ये फोन पीछे के साइड से काफी ज्यादा प्रीमियम फील कराता है। रियर कैमरा की बात करें तो मेन कैमरा 50 MP G5 OIS कैमरा देखने को मिलता है। देन 8 MP का अल्ट्रा वाइड कैमरा एंड 2 MP का मैक्रो कैमरा। देन नीचे के साइड आप लोग देख सकते हो IQ का ब्रांडिंग दिया हुआ है, काफी ज्यादा अच्छा लगता है। इस फोन का फ्रंट कैमरा 60 MP का है। अगर आप इस फोन को लेने के बाद अगर आप लोग मार्केट में जाते हो तो आपको इसका ओरिजिनल टेम्पर ग्लास लेना होगा। डुप्लीकेट आप लोग देख सकते हो स्किन पे बैठेगा नहीं सही से। चलो फ्रेंड्स, फटाफट से इस फोन को ऑन करते हैं और देखते हैं। मैंने इस फोन का टोटली सभी सेटअप कर लिया है। डिवाइस को अनलॉक करते हैं और फटाफट से सेटिंग में जाकर दिखा देते हैं इस फोन का स्नैपड्रैगन और स्टोरेज कितना है। चलो फ्रेंड्स, अबाउट फोन पे क्लिक करते हैं और आप लोग यहाँ पे देख सकते हो स्नैपड्रैगन कितना है, 8 Plus Gen 1। और गाइस, रैम की बात करें तो आप देख सकते हो 12 Plus 8 GB, मतलब कि फ्रेंड्स इस फोन में 20 GB रैम है। और स्टोरेज की बात करें तो आप लोग देख ही सकते हो 256 GB स्टोरेज है। चलो फ्रेंड्स, अब फटाफट से कैमरा भी चेक करके देख लेते हैं कि कैमरा कैसा है। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, पीछे का कैमरा काफी ज्यादा अच्छा है, आप लोग व्लॉगिंग वगैरह कर सकते हो। इस फोन के बैक कैमरा से मैंने बहुत फोटो लिए हैं। बैक कैमरे का सैंपल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, तो इस वीडियो के बाद देख लेना। इस फोन का मुझे सबसे बेकार चीज क्या लगा मैं आपको बता देता हूँ। इसका फ्रंट कैमरा मुझे बेकार लगा, बिकॉज यार इस फोन के फ्रंट कैमरा से जब हम फोटो लेते हैं तो वो फोटो क्लियर नहीं आ पाती, ऐसा लगता है जैसे कि फोटो लेने वक्त हिल गया हो, सिंपल आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा। वैसे का जहाँ तक मुझे लगता है ये प्रॉब्लम अपडेट के बाद फिक्स हो जाएगा। इसके अलावा मुझे बैक कैमरा में और कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिला। अब मैं बैक कवर लगा के दिखाया था आपको ये फोन कैसा लग रहा है। अगर आप 1 से 2 महीने ये बैक कवर चलाना चाहते हो तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब फ्रेंड्स गेमिंग टेस्ट करते हैं, BGMI ओपन करते हैं और देखते हैं ग्राफिक्स कहां तक अनलॉक होती है। इस फोन के अंदर एक मॉन्स्टर मोड के नाम से भी एक ऑप्शन देखने को मिलता है, जिसे ऑन करके आप गेम को और अच्छे से खेल सकते हो।
और मैं आपको बता दूं, अगर आप लोग इस फोन में जायरो ऑन करके भी खेलते हो तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल स्मूथली गेम चलने वाला है, बिकॉज यार मैं खुद जायरो प्लेयर हूं तो मुझे पता है। और गाइज अब आप लोग ग्राफिक देख सकते हो, इसमें अल्ट्रा HDR सपोर्ट कर रहा है। मैं आपको बता दूं, अगर आप लोग ये फोन सिर्फ और सिर्फ गेमिंग के लिए लेना चाहते हो तो आप लोग ये फोन आंख बंद करके ले सकते हो, और अगर आप लोग थोड़ा बहुत कैमरा वगैरह यूज करते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, ये फोन आप लोग इजीली ले सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर हाँ, सिर्फ और सिर्फ अगर आप लोग व्लॉगिंग के लिए लेना चाहते हो ये फोन, तो आप आईफोन की तरफ जा सकते हो। एक बात और फ्रेंड्स, आपको इस फोन का कैमरा रिव्यू, गेमिंग रिव्यू या फिर चार्जिंग टेस्ट पर डिटेल्स में वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट में जरूर बता देना। ओके फ्रेंड्स, ये फोन आपको अभी के टाइम पर अमेजोन पर 8 GB रैम में 33,000 का पड़ जाएगा और 1256 में 36,000 का। आप लोग इस फोन को देख सकते हो, मैंने कैमरा लेंस लगा रखा है, आपको पता भी नहीं चल रहा होगा, जिसे हम कैमरा लेंस प्रोटेक्टर भी बोलते हैं। इसे बैक कैमरा पर लगाने पर जितना भी स्क्रेचेस आएंगे वो सभी स्क्रेचेस कैमरा लेंस प्रोटेक्टर पर आएगा और कैमरा को कुछ नहीं होगा। इसी टॉपिक पे आपको इस चैनल पर कल वीडियो मिल जाएगी। आज की वीडियो में इतना ही, आई होप कि आपको आज के वीडियो पसंद आया होगा। सो आप लोग लाइक करना मत भूलना और एक प्यारा सा कमेंट तो कर ही देना। एंड अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पे नहीं हो तो हमारे बॉबी गेमर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना इस तरह का रियल कंटेंट देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्रांड न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।